हेलो दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल का औसत चैप्टर यानी कि एवरेज शुरू करने जा रहे हैं और थ्योरी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। ये संख्या दिया हुआ है, इसका औसत क्या होगा। तो हम बताए थे औसत बराबर योग बटा नंबर, ठीक है। देखिए, सबको जोड़िए पहले, सब जो संख्या दिया हुआ है 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 को संख्या है, 6 से भाग दीजिए, ठीक है। देखिए, 4 0 4 6 10 10 4 14 14 6 20 22 22 6 28 हासिल 2 6 8 7 15 15 6 21 21 8 29 29 4 33 33 6 33 7 33 7 40 बटा 6, 6 से काटिए, 6 6 1 36 4 6 8 48। आपका औसत निकल गया है 68, 68 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। दोस्तों, प्रथम 100 धन पूर्णांक यानी कि 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। तो आपको बताए थे किसी भी श्रेणी का प्रत्येक लगातार दो पदों का बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा टू, ठीक है। औसत पूछा है आपसे, तो फर्स्ट मतलब 1 प्लस लास्ट मतलब कितना है, 100 बटा 2, ठीक है। तो 101 बटा 2 यानी कि 50.5, 50.5 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों, अभाज्य संख्या वह होता है जो एक एम स्वयं से कटता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे प्रथम है 2, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, उसके बाद में 17 है, उसके बाद में 19 है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हुआ, 19 के बाद में आपको 21 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है। सबका योग बटा सबके संख्या, सबका योग कीजिए, औसत निकलेगा। इसमें दोस्तों श्रेणी नहीं है, देखिए इसमें एक का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, इसलिए इसका वैल्यू लगाना होगा योग बटा एन, ठीक है। एवरेज बराबर तो कई को संख्या 9 को, तो 9 से भाग दीजिए, उसके बाद जोड़िए, देखिए जोड़ लीजिए इसको, 3 9 12 12 7 19 20 22 22 21 23 23 7 30 5 35 7 3 38 2 40 के 0 हासिल, 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 ना 10 बटा में 9। तो इसको तोड़िएगा तो 11 9 99 100 11 पूर्णांक 1 बटा 9 आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, जो ऑप्शन डी में है, ठीक है। दोस्तों, चार नंबर क्वेश्चन है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों, इस याद रख लीजिएगा इसको कि अगर 10 पूछे ना तो इसका आंसर 11 होगा, प्रथम 12 पूछे तो इसका आंसर 13 होगा, प्रथम 14 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा तो 14 कहे तो 15 होगा, ठीक है। अब विषम कहता तो 1 कम होता, ठीक है, और नहीं तो आप अति कर लीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है, देखिए तो सम क्या होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 को सम संख्या कहा है तो 20 तक ले होगा, ठीक है, 10 तक ले कहा है तो 20 तक ले होगा, 10 को सम संख्या तो 1 2 3 डॉट डॉट 20 तक ले होगा, तब ना 10 को होगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 यानी कि 2 प्लस 20 बट्टा 2 यानी कि 22 बट्टा 2 बोले तो 11 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन सी में है। नहीं तो आप सीधे याद रखिएगा कि 10 सम प्राकृत संख्या पूछे इसका औसत तो 11 दीजिएगा, 12 सम प्राकृत संख्या तो इसका आंसर 13, एक बढ़ा के, और विषम कहे तो 1 कम कहे, यानी 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत तो 9, ठीक है, और सम बोले तो 1 बढ़ा के और विषम बोले 1 घटा के, ठीक है। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों, 100 से कम तो एक भी विषम कौन है, वैसा संख्या जो 2 से नहीं करती वही तो विषम है, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 यानी कि 99 तक, 100 नहीं लिख सकते हैं, 100 तो सम संख्या है। तो आपसे एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, देखिए श्रेणी अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, दो पद में अंतर 1 का है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है, 99 बटा 2 यानी कि 100 बटा 2 बोले तो 50 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन डी में मौजूद है, ठीक है। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 तक की। तो देखिए, 2 होगा सम, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, डॉट डॉट 50 भी तो सम है, तो 50 तक बोला तो 50 ले लेंगे, ठीक है। आपसे एवरेज पूछा है तो फर्स्ट मतलब 2 प्लस लास्ट मतलब 50
बट्टा टू यानी कि 52/2 बोले तो 26 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुण मतलब 3 के पहाड़ा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यही ना 5 गो हो गया। देखिए प्रथम 5 बोला है, 3 के प्रथम 5 गुण मतलब 3 के पहाड़ा, तो 1 2 3 4 5, 5 गो अक्षर हो गया। ठीक है अब देखिए आपको एवरेज पूछा है, तो देखिए ना श्रेणी हो गया, ये 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो देखिए ना हम कल बोले थे कि इसका मिडिल टर्म भी एवरेज होता है, 2 गो इधर से छोड़ दीजिए और 2 गो इधर से छोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर 9 हुआ, जो ऑप्शन बी में है। नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 15/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों आपको इस तरह से लिखना नहीं है, आप सीधे करी कीजिएगा कि 3 के प्रथम 5 गुना होता, 3 5 15/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। दोस्तों यहाँ प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों बोला है, तो इसका कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक, 10 का स्क्वायर। ठीक है तो दोस्तों वर्गों के लिए फार्मूला होता है, वर्गों के योग बराबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होता है, ये तो योग हो गया। औसत है तो इसमें एन एन को संख्या है तो एन से गुना कीजिए। ठीक है तो ये एवरेज हो गया। ठीक है तो याद रखिएगा वर्गों का औसत बराबर ये होता है, 1 से लेकर n तक के वर्गों का औसत बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है तो एन से एन कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है आपका एवरेज बराबर, तो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, एन मतलब 10 है तो लास्ट एन मतलब लास्ट संख्या 10, 10 1 11 हो गई, 11 गुना यहाँ दोनों के बीच में गुना है, 2n 10 2 20 1 21/6, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 11 77/2 बोले तो आपका राइट आंसर होगा 2 3 6, 1 बचा 1/17, 2 6 2 3 6, 1 1/17, 2 8 16, 2 5 10 यानी कि 38.5 आपका राइट आंसर हुआ, आपका ऑप्शन डी आर राइट आंसर हुआ, 38.5। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 25a+25b=115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना होगा। दोस्तों 25a+25b=115 दिया हुआ है, तो 25 इसमें से कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा बराबर 115। अब ए प्लस बी बराबर 115 गुना में है तो भाग में आएगा, और औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, तो संख्या 2 है तो 2 से भाग दीजिए नीचे में, तो भाग दीजिए तो इसमें गुना होगा, तो 115/50 भाग दे दीजिए उसमें, तो हो जाएगा 115 × 2 = 230, 2 अंक बाद यानी कि 2.3 आपका औसत हुआ। ठीक है एवरेज जो हुआ ए प्लस बी का एवरेज 2.3, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 10 है, तब 5 × 10 करेंगे तो 5ों का योग हो गया, 5ों संख्याओं का योग हुआ। ठीक है अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो हम मान लिए कि x इसमें जोड़ देंगे तो औसत कितना हो जाएगा 12, तो ये तो योग हो गया, तो इसमें कई गो संख्या, 5 गो संख्या था, अब 6 गो संख्या हो गया, का पहले 5 गो संख्या था x जोड़ दिया तो 6 गो संख्या हो गया। तो अब देखिए यहाँ हो गया 50+x=63 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर की इधर है उधर, तो 12 6 72, तो इधर x बच जाएगा, ये प्लस में है 50 उधर जाएगा तो माइनस में, तब 72 में से 50 चल जाएगा तो 22 बचेगा, यानी संख्या कौन जोड़ेंगे, 22, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है देखिए 7 गो संख्या है, तो आप क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है तब इसका हम बेस बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
इसमें हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, सात को बोला है तो ABCDEFG ले लिए, सात को संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार है तो इसका मिडिलम टर्म औसत होगा। ठीक है, मिडिलम टर्म मतलब बिचला, तीन को इधर से छोड़िए, तीन को इधर से छोड़िए, यह औसत हुआ, ये औसत हुआ, जबकि औसत दिया है 33, मतलब इसी का मान दिया है 33। तो हमसे बड़ी बोला है तो बड़ी तो आगे ना होता है, छोटा संख्या पीछे होता है, बड़ी संख्या आगे, तो लगातार है तो ये 33 हो गया, तो ये 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो आपसे सबसे बड़ी तो जीए ना है, मतलब यह संख्या है लास्ट वाला 36, आपका राइट आंसर 36 हुआ, जो ऑप्शन डी में है। नहीं तो आप बेस बना सकते हैं, एक मान लीजिएगा एक्स, तो अगला एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों चार को सम संख्या है ए बी सी डी, औसत है तो औसत अब बिचला होता है, तो औसत देखिए इधर से दो को छोड़िएगा, इधर से दो को छोड़िएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इस दोनों के बीच में औसत होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसी का वैल्यू दिया हुआ है 27। ठीक है, अब देखिए सम संख्या बोला है तो सम में तो दो दो के अंतर होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में सिर्फ क्रमागत बोला था तो एक एक का अंतर, लेकिन इसमें सम के चर्चा कर दिया है, तो देखिए 2 4 6 यही से ना सम है, 2 4 6 यही में सम है। देखिए इसमें दो वृद्धि कीजिएगा तो अगला सम आएगा, इसमें दो वृद्धि कीजिएगा तो अगला सम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान 27 है तो 27 तो सम नहीं है, तो इसके पहले क्या होगा 26 होगा और इसके बाद क्या होगा 28 होगा। और सम आपको बोला है, बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये 28 होगा, तो अगला कितना होगा 30, सबसे बड़ी बोला तो सबसे बड़ी तो 30 से है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, सतत पांच विषम संख्याओं का औसत 95 है और वही क्रम में चौथी संख्या पर कौन सी संख्या है। दोस्तों पांच को विषम संख्या है तो ए बी सी डी ई, पांच को संख्या होगी, दो को इधर से छोड़ दीजिए, दो को इधर से छोड़िए, औसत बिचला होता है, इसी का मान दिया हुआ है 95। आपसे बोला है तो ये 95 है तो ये कितना होगा, अगला होगा 97, क्या कि विषम संख्या एक हो, देखिए विषम संख्या क्या होता है, एक होता है, तीन होता है, पाँच होता है, सात होता है, लेकिन इस वाला में दो का वृद्धि कीजिएगा तो अगला विषम आएगा, इसमें दो वृद्धि कीजिएगा तो अगला विषम आएगा। ठीक है, तो ये होगा 97, तो ये होगा 99, ये होगा कितना 93 होगा, ये कितना होगा 91 होगा। तो आपको बोला है कि अवरोही क्रम में सजाने के बाद आपको आंसर देना है, तो अवरोही के मत जानते हैं आरोही, देखिए आ एक होता है आरोही होता है, एक होता है अवरोही होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, क्या होगा ये तीन अक्षर है और ये कितना अक्षर है, चार अक्षर है, तो सबसे बड़का है ये, तब बड़का है तो ये घटते मत घट घटते लिखाएगा। ठीक है, और वही मतलब घट, देखिए सबसे पहले बड़का लिखिए उसके बाद घटते 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 नीचे आएगा, ये छोटका है तो छोटा से मतलब बड़ा होगा धीमे धीमे धीमे। ठीक है, तो उसी तरह इसको सजा लीजिए, सबसे बड़ा है 99, उसके बाद है 97, उसके बाद है 95, उसके बाद है 93, उसके बाद है 91, तो और वही मतलब घटते क्रम, देखिए चौथा स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, चौथा स्थान पर 93 है, 93 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हुआ, 93। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तब बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों ए बी सी और डी इस चारों का औसत जो है ना, औसत 42 है, तो औसत इधर से दो को छोड़िए, इधर से दो को छोड़िए, औसत तो बिचला होगा, औसत बिचला, तो इसी का मान जो दिया हुआ है कितना 42 यानी 42 दिया हुआ है। तो देखिए ये 42 है तो अगला क्या होगा 44 है, होगा 44 होगा, क्योंकि सम है तो सम का दो का अंतर होता है, अगला होगा 46 होगा, फिर यह हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 38। तो आपसे पूछा गया है बी तथा डी का गुणनफल, तो बी कितना है 40 है और डी कितना है 46 है, ये दोनों का गुणनफल पूछा है, तो जीरो देखिए जीरो होगा, 6 चौका 24 के 4, 4 चौका 16 और 2 18, 1840 दोनों का गुणनफल आया, किसका किसका बी और डी का गुणनफल आया 1840। ऑप्शन देखिए नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हुआ। सॉरी दोस्तों, यहाँ हम सम लगा दिए, विषम बोला है विषम, तो ये 42 है तो अगला विषम विषम देखना है, सॉरी दोस्तों ये 42 है तो इसके पहले 41 ना होगा और ये हो जाएगा 41 में 2 घटा 39 होगा। ठीक है, विषम है तो बिचला ना औसत होगा, और ये तो विषम नहीं है, विषम रहता तब ना दो पढ़ाते हैं, लेकिन तो सम है तो अगला होगा
43 होगा, 43, और ये हो जाएगा 43 दो 45 हो जाएगा, ठीक है सॉरी, मतलब कि ए और बी का गुणनफल पूछा है, बी और डी का गुणनफल, तो क्या होगा बी और डी का गुणनफल क्या होगा, 41 गुना 45, ठीक है। तो देखिए 45 एकम 45 के 5, और 45 चौका 4×16 180, दो 180 अचार, 180 चार 184, 1845 आपका राइट आंसर हो, ठीक है, जो ऑप्शन सी में, सॉरी दोस्तों हम सोच लिए थे कि सम है, यहाँ तो विषम है, तो विषम है तो पहले 41 ना होगा, 42 तो सम विषम नहीं है, तो इसके पहले 41 और इसके बाद 43, अब तो दुगो बढ़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगली क्वेश्चन है 15 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई है, ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों पाँच को संख्या है कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, ई, इस पांचों का औसत, औसत तो होता है बिचला, दो इधर छोड़िए दो इधर से छोड़िए, बिचला औसत होता है, और इसी का मान दिया हुआ है 66, ठीक है 66, तो अगली क्या होगा 68 होगा, फिर इससे अगली क्या होगा 70 होगा, दो दो का अंतर पाता है सम संख्या और विषम संख्या, और यहाँ सम दिया हुआ है 66, इसलिए दो दो को बढ़ाए हैं, तो अगर 65 दिला रहता तो एक को पहले बढ़ाते, ठीक है 66 ये होगा कितना 64 होगा, और ये कितना होगा 62। आपसे पूछा गया है क्या कि बी तथा ई का गुणनफल, बी तथा ई का गुणनफल मतलब गुना, तो बी का मान कितना है 64 है, और ई का मान कितना है 70 है, तो गुना कीजिए 0 तो होगा, देखिए 6 × 47 के 2 हासिल 4, और 6 सॉरी 0, 7 × 28 के 8 हासिल 2, 7 × 42 है 2 44, यानी 4480, 4480 ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।